इस वीडियो में आज हम आप लोग से फिर से बात करेंगे पिछले आरआरबी एग्जाम में रेशियो एंड प्रोपोर्शन से जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था उसी से आज हम फिर से आप लोग को पांच क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे। हाय फ्रेंड, मैं जाहिर, आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी फॉर करियर यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला। क्वेश्चन में बोला गया व्हाट नंबर हैज़ टू बी एडेड to the terms of 3:5 to make the ratio 5:6। इधर बोला गया कौन सा नंबर इस रेशियो के मतलब इस रेशियो में हम लोग ऐड करेंगे तो जो नया रेशियो आएगा वो हो जाएगा 5:6। कौन सा नंबर ऐड करने के बाद ये आएगा रेशियो। दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी 2006 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आरबी 2006 में पूछा गया था। इसका चार ऑप्शन है, जो राइट होगा वो आप लोग को निकाल कर बोलना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इसको आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए पहला जो रेशियो है वो क्या है, 3:5। दूसरा जो आएगा वो है 5:6। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/5। हम लोग मान लेते इसके साथ दोनों के साथ एक ऐड करेंगे, जो करेंगे एक ही नंबर ऐड होगा तो जो नया रेशियो होगा वो होगा 5/6। दोस्तों हम लोग ये लिख सकते हैं। तो चलिए इसको आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। 3 के साथ 6 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसके साथ इसको मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई होगा। 6 के साथ पहले 3 से उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, 3 के साथ 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 18+6x इक्वल टू, हम लोग देखिए 5 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 25+5x। x दोनों एक साथ लिखेंगे। देखिए इस ये राइट साइड में है, इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। 6x से 5x माइनस होगा तो क्या होगा, x इक्वल टू इधर क्या है 25 है, 25 और ये लेफ्ट साइड में क्या है 18, 18 को राइट साइड ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। 25 से 18 को माइनस करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 7। तो दोस्तों वो नंबर है 7। ये हो गया हम लोग का आंसर। इस रेशियो के साथ 7 हम लोग जोड़ेंगे, उसके बाद जो रेशियो आएगा वो होगा 5:6। तो दोस्तों हम लोग का ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर। दोस्तों हम लोग का पहला जो क्वेश्चन है वो तो सॉल्व हो गया। अब जो देखना है आज के लिए जो दूसरा क्वेश्चन है उसको भी आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग का दूसरा क्वेश्चन को देख लेते। इधर बोला गया वाई वेरीज एज डायरेक्टली एज x+3 एंड y=8 व्हेन x=1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x=2। इधर बोला गया y डायरेक्टली x+3 से वेरीजेस है और बोला गया तब y=8 होगा और x=1 होगा। इधर बोला गया x=2 होगा तो y का वैल्यू तब कितना होगा। ये क्वेश्चन आरआरबी 2006 में पूछा गया। इसका चार ऑप्शन है, जो सही होगा वो आप लोग को निकल कर बोलना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए हम लोग का क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं y डायरेक्टली वेरीजेस है x+3 से, डायरेक्टली वेरीजेस। तो दोस्तों देखिए इधर हम लोग ये वेरीजेस को इक्वल टू हम लोग कर सकते हैं, जब एक कॉन्स्टेंट लेकर कर सकते हैं, यही है नियम। y इक्वल टू के है कॉन्स्टेंट, x+3 ये वेरीजेस को इक्वल किया इसलिए k को कॉन्स्टेंट लेना पड़ा। तो देखिए अब लिख सकते हैं y का वैल्यू बोल दिया 8 और x का वैल्यू 1, y इक्वल टू 8, 8 इक्वल टू k, x का वैल्यू कितना बोला 1 1+3। तो देखिए दोस्तों 1+3 इक्वल टू कितना होगा 4, तो और के इक्वल टू हम लोग देख सकते 8/4 तो होगा के का वैल्यू 2, के का वैल्यू निकला 2। अब बोला गया जब वो x इक्वल टू 2 होगा तो तब y इक्वल टू कितना होगा,
देखिए के का वैल्यू, के तो कांस्टेंट है, ध्रुवक, इसलिए के का वैल्यू 2 ही रहेगा। तो इसको हम लोग फिर लिख सकते हैं वाई इक्वल टू के इंटू एक्स प्लस 3। तो देखिए वाई इक्वल टू निकालने के लिए बोला, कब, जब एक्स इक्वल टू 2 होगा। वाई इक्वल टू के का वैल्यू कितना है, 2, इंटू एक्स का वैल्यू कितना बोला, 2, 2 प्लस 3। देखिए 3 के साथ 2 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5, 5 के साथ 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10, तब वो होगा y का वैल्यू 10। ये हो गया दोस्तों हम लोग का आंसर, ये क्या है हम लोग का आंसर 10, ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर। दोस्तों हम लोग का जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो गया, अब जो देखना है आज के लिए तीसरा क्वेश्चन उसको भी आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों ये है हम लोग का तीसरा क्वेश्चन, इसको भी आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 25 एंड 30। 25 और 30 इस दोनों नंबर का थर्ड नंबर प्रोपोर्शन क्या है वो निकालने के लिए दिया। दोस्तों ये क्वेश्चन RRB ग्रुप डी 2014 में पूछा गया था, इसका 4 ऑप्शन है, जो सही होगा वो आप लोग को निकल कर बोलना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए हम लोग इधर लेख से लेख लेते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, एक से, तो हम लोग लिख सकते हैं 25 इज टू 30 इक्वल टू 30 इज टू एक्स। तो इधर एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं सेकेंड इंटू थर्ड, 30 इंटू 30 अपन फर्स्ट 25। देखिए 5 6 ये हो जाएगा 6 इंटू 6 हो जाएगा 36। ये हो गया क्या 36, ये हो गया हम लोग का आंसर, ये है हम लोग का थर्ड नंबर प्रोपोर्शन। दोस्तों इस क्वेश्चन का भी आंसर निकल गया, हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन ए हो गया हम लोग का राइट आंसर। दोस्तों हम लोग का जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो गया, अब जो देखना है आज के लिए चौथा क्वेश्चन उसको भी आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों ये है हम लोग का चौथा क्वेश्चन, इसमें बोला गया इफ 3x इक्वल टू 2k एंड 5y इक्वल टू 8k देन x इज टू y इज। इधर बोला गया 3x इक्वल टू 2k एंड 5y इक्वल टू 8k, और बोला गया x इज टू y का वैल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों RRB 2007 में पूछा गया था, और इसका 4 ऑप्शन है, जो सही होगा वो आप लोग को निकल कर बोलना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको बोला गया 3x इक्वल टू 2k और बोला गया 5y इक्वल टू 8k। तो इधर देखिए x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2k अपन 3। इधर देखिए लिख सकते हैं y इक्वल टू 8k अपन 5। तो हम लोग देखिए x इज टू y इक्वल टू लिख सकते हैं 2k अपन 3 इज टू 8k अपन 5। दोस्तों देखिए हम लोग x इज टू y को x अपन y लिख सकते हैं, तो इक्वल टू इसको भी हम लोग 2k अपन 3 अपन 8k अपन 5 इसको इस तरह लिख सकते हैं 2k अपन 3 अपन 8k अपन 5। तो क्या होता है, पहले के साथ लास्ट, फर्स्ट के साथ लास्ट को हम मल्टीप्लाई करा जाता है 2k इंटू 5 अपन मिडिल के साथ मिडिल 3 इंटू 8k। तो इस ए लिख सकते हैं, तो ये डायरेक्ट इधर लिख लेते हैं 2k इंटू 5 अपन 3 इंटू 8k। देखिए दोस्तों के साथ के कट जाएगा, 2 के साथ 8 को काटेंगे तो होगा 4। देखिए इस ये हो गया 5 अपन 12, क्या हो गया 5 अपन 12। तो दोस्तों हम लोग इसको लिख सकते हैं x इज टू
वाई एक्स इज टू वाई इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 5:12। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 5:12। तो दोस्तों ये हो गया हम लोग का आंसर। तो ऑप्शन ए हो गया हम लोग का सही आंसर। दोस्तों हम लोग का जो चौथा क्वेश्चन है वो भी आज हम लोग सॉल्व कर दिया। अब जो देखना है आज के लिए लास्ट क्वेश्चन वो भी आप लोग को आज सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों ये है आज के लिए हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, इसको भी देख लेते। इधर क्या बोला गया? इधर बोला गया द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द मंथली सैलरीज ऑफ रीनी एंड सोम इज 5:3। इधर बोला गया रीनी और सोम का मंथली जो इनकम होता है, सैलरी है, उसका जो रेशियो है वो है 5:3। आउट ऑफ हर मंथली सैलरी रीनी गिव्स, रीनी का जो मंथली सैलरी है उसमें से 1/6 मतलब 1/6 हिस्से को वो क्या करता है? रेंट पे खर्चा करता है, रेंट। और 1/5 ही टू हर मादर, इधर बोला गया और बोला गया 1/5 हिस्से उसका माँ को देते हैं। और बोला गया 30% एज हर एडुकेशन लोन, वो जो 30% लिया वो 30% को उसका जो शिक्षा का लोन लिया उसके लिए रखते हैं। एंड कीप 20% एसेट फ्रॉम मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, इधर बोला गया बाकी जो 25% वो अन्यान्य खर्चा के लिए रखते हैं। रिमेनिंग 5,000 rupees she keeps as saving, और बोला गया बाकी जो 5,000 rupees बचता है वो सेविंग के लिए रखता है खाता में। What is Soms monthly salary? Soms का मंथली सैलरी कितना है यही पूछा गया। दोस्तों ये क्वेश्चन RRB ग्रुप बी 2015 में पूछा गया था। इसका चार ऑप्शन है, जो सही होगा वो आप लोग को निकल कर बोलना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं आप लोग को। तो दोस्तों सबसे पहले इन दोनों का जो रेशियो है सैलरी का उसको हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले 5 वो है रेन का सैलरी और 3 है वो है सोम का सैलरी। ये रीनी का सैलरी, ये सोम का सैलरी। तो दोस्तों इधर रीनी का ही बोला गया तो उस हम लोग लिख सकते, देखिए 1/6 हिस्सा क्या रखता है इस सैलरी से, वो उसका रेंट देता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं तो देखिए 1/6 ऑफ मतलब ऑफ क्या है 5A से वो क्या देता है? रेंट देता है। तो ऑफ का मतलब इंटू 5A इसको लिख सकते हैं। प्लस देखिए 1/5 हिस्सा वो उसको मादर को देता है, मम्मी को देता है। तो इसका मतलब 1/5 हिस्सा किससे? 5A मतलब इस सैलरी से। तो इसको भी लिख सकते 5A इंटू प्लस। अब देखिए दोस्तों उसका जो है 30% क्या करता है? 30% वो उस एडुकेशन के लिए रखते हैं, एडुकेशन के लिए रखते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 30/100 इंटू 5A प्लस। और बाकी जो देखिए 25% वो आदर्श खर्चे के लिए रखते हैं। तो इसको भी लिख सकते 25/100 इंटू 5A का 25% रखते हैं। तो दोस्तों देखिए ये क्या है, ये जो ये सब खर्चा किया और उसका टोटल सैलरी कितना है? 5A। 5A से ये माइनस करेंगे तो किसके साथ इक्वल होगा? देखिए 5,000 मतलब वो जो सेविंग कर रहा है जितना पैसा उस वो निकलेगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों देखिए 5A माइनस, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 5A/6 प्लस। इसको देखिए हम लोग काट देंगे, इसको हम लोग काट देंगे तो सिर्फ ए बचेगा प्लस। इसको देखिए 0 के साथ 0 कटेंगे, 5 के साथ 10 को कटेंगे तो क्या होगा? 2। इधर लिख सकते हैं हम लोग 3A/2
देखिए दोस्तों, इसके साथ इसको हम लोग करेंगे तो क्या होगा, फोर थीटा लिख सकते, फाइव ए अपन फोर, ये किसके साथ इक्वल है, 5000 से इक्वल है दोस्तों। तो देखिए इसको हम लोग जोड़ देंगे, इसको हम लोग जोड़ेंगे, इसको जोड़ने के बाद ले गया, इसके जो एलसीएम होगा वो होगा 12, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5a माइनस इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 12। 6 के साथ 12 को हम लोग दोस्तों डिवाइड करेंगे, उसके बाद 5 को साथ जोड़ेंगे। देखिए दोस्तों, 6 के साथ 12 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2, 5 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 10, 10a प्लस सिर्फ नंबर को हम लोग लिखेंगे। उसके बाद देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1, 1 के साथ 12 को डिवाइड करेंगे तो 12, 12 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 12 प्लस 2 के साथ 6 को इसको डिवाइड करेंगे तो 6, 6 के साथ 3 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 18 प्लस 4 के साथ 3 होगा, 3 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15। तो दोस्तों देखिए इसको हम लोग जोड़ लेते हैं तो इसका जो रिजल्ट आएगा 55। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 55a इक्वल टू 5000, ये लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके साथ इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके इस ये माइनस कर देंगे, 5 के साथ हम लोग 12 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 60, 60a के साथ 55a हम लोग माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 5a, ये हो जाएगा 5a, और इस 12 को इधर लेकर चलाएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 6000। और ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, देखिए इधर हो 60000, 60000 से हम लोग 5000 को सॉरी 5 को डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो होगा 12000। तो ए का वैल्यू क्या निकला, 12000 दोस्तों। तो हम लोग का क्वेश्चन में जो आंसर पूछा गया वो बोला गया सोम्स का मंथली सैलरी क्या कितना है, सोम का मंथली सैलरी कितना है। तो देखिए सोम का मंथली सैलरी कितना निकला, 3a, इसका मतलब ए का वैल्यू सिर्फ 3 से बैठाएंगे तो होगा सोम का मंथली सैलरी 3 × 12000 हो जाएगा 36000, ये हो गया हम लोग का आंसर। दोस्तों हम लोग का जो आंसर है हो गया ऑप्शन डी, हो गया राइट आंसर। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग का 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब जो देखना है इधर जिस किसी भी इसमें आप लोग का क्वेरी रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करते मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।